Hi students, welcome to Sriram Coaching Classes. Today I am teaching you lesson number first, 1.3 now. Okay, so Venn diagram. British logician John Venn was the first to use closed figure to represent sets. Such presentations are called Venn diagrams. Okay, जो एक British logician था उसका नाम था Venn, John Venn. उसने क्या किया, एक closed figure बनाया. Closed figure मीन्स यहाँ पे ऐसा हो सकता है, क्लोज फिगर ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी ओके, लेकिन वो क्लोज फिगर कर बनाया और उसने उसमें रिप्रेजेंट किया सेट्स को, रिप्रेजेंट सेट्स को किया, तो उसे बोला जाता है वेन डायग्राम. तो अभी फॉर एग्जांपल ए इज अ सेट, उसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5. तो वो रिप्रेजेंट करने के लिए उसने क्या किया, सेट ए इज शोन बाय, तो अभी यहाँ पे मैं कौन सा ऐसा भी ले सकती हूँ बिकॉज वी वांट क्लोज फिगर. ये हुआ मेरा क्लोज फिगर, यहाँ पे मैंने ए दिखाया और मुझे अभी उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो मुझे अंदर दिखाने हैं. तो अभी ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो मैं यहाँ पे लिखूँगी, 1, 2, 3, 4, 5. ये हुआ मेरा वेन डायग्राम. वी कैन ड्रॉ दिस वेन डायग्राम लाइक दिस ऑल्सो एंड लाइक दिस ऑल्सो. ओके, सो नाउ दिस इज रिप्रेजेंटेशन बाय वेन डायग्राम. नाउ वी विल गो टू सबसेट. Now what is subset? If A and B are two sets given in such a way that every element of set A is in set B. Okay, suppose there is set A and set B. In set B, every element of set B is also included in set A also. That means A is the subset of B, and we write A, it is the sign of subset of subset element of. Okay, so यहाँ पे suppose दो sets हैं, A and B, two sets, और उसमें क्या है, set A में अभी मैं पढ़ती हूँ, सेट ए में है एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और सेट बी में एलिमेंट है 2, 4, 6, 8. ये जो है चार एलिमेंट्स जो है बी में, वो सभी के सभी सेट ए में भी हमें मिलेंगे. ये एलिमेंट सेट ए में भी मिलेंगे, तो हमें हम क्या बोलेंगे कि बी जो सेट है वो सबसेट है ए का. बी जो सबसेट है वो सबसेट है ए का. वेट अ मिनट, शिराय काय रिलेट करतो, आता कस का ऍडमिट करू मी तुला. आई विल सेंड यू व्हिडिओ नाउ. ओके, मी आता इतना ऍडमिट नाही केलंय. ओके, बाय. सो सेट ए इज इक्वल टू, हाँ अभी मैंने बताया कि ये जो बी सेट है ये पूरा के पूरा ए सेट में भी है. तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा कि बी सेट इज ए, ये जो है ना अभी यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो है ये किस चीज़ का साइन है, सबसेट का साइन. B set is a subset of A. A set का वो subset है. तो हम कैसे लिखेंगे, Every element of set B is an element of set A. Okay? ये समझ में आया. B में जितने भी, इसका मतलब ये है कि B में जितने भी element है वो सब A में भी है. इसका ऐसा उसका मतलब हुआ. Okay? तो यहाँ तक किस किस को समझ में आया, सबको समझ में आया. Yes,
very good. हाँ, the following Venn diagram shows subset relationship between A and B. अभी देखो यहाँ पे एक सेट है, जैसे कि A सेट है हमारा ये, उसमें सपोज यहाँ पे हमें A सेट में बताया गया है 1 to 8 नंबर्स. ओके, 1 से 8 तक जितने भी नंबर्स हैं वो 8. अभी ये सपोज इसका थोड़ी देर के लिए मत पकड़ो, B से सिर्फ वन A सेट पकड़ते हैं, ये जो राउंड वाला है. चलो मैं अभी कर देती हूँ यहाँ पे, ये जो राउंड वाला सेट है ना, ये है हमारा A सेट. ओके, तो उसमें पूरा नंबर आएंगे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे आएगा 5, 6, 7 और 8. ये हमारा A सेट है. लेकिन अभी B सेट इसके ही अंदर है. इसमें B सेट में कौन कौन है, 2, 4, 6, 8, ये जो एलिमेंट है, ये अंदर के एलिमेंट, वो पूरे आते हैं हमारे बी सेट में. तो इसको ही इसके अंदर मैंने ड्रॉ करके सिर्फ इसको बी नाम दिया. तो ये हुआ मेरा वेन डायग्राम, जैसे कि यहाँ पे निकाला गया है. सेम एज इट इज़ यहाँ पे बी डायग्राम, ए सेट और बी सेट निकाला गया है. तो समझ में आया. तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. अभी सपोज एक सेट मैंने लिया, मेरा ये है सेट डी. तो डी में है ए बी और सी, तीन एलिमेंट हैं. तो हर एक डी सेट जो है, हाँ ये डी सेट है, ये सबसेट है फिर से डी का, ये सबसेट है फिर से डी का. ये हुआ पहला रूल कि इसमें डी में जो भी एलिमेंट है वो डी में भी है. मीन्स दो, जैसे कि अभी मैं, हम खुद को ही अभी मिरर में देखेंगे तो सेम एज इट इज सेम है ना, है या नहीं है? यस है. तो हाँ एब्सोल्युटली. तो सेट ए सबसेट ऑफ सेट ए, ये हमारा पहला नियम. दूसरा है एम्प्टी सेट ऑफ सबसेट ऑफ एवरी सेट. एम्प्टी सेट इज अ सबसेट. एक कौन सा भी एम्प्टी सेट है और कौन सा भी जो एम्प्टी सेट लेंगे तो वो एक का सबसेट है. ये भी, ये हुआ हमारा दूसरा नियम कि एवरी एम्प्टी सबसेट, सॉरी एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए. बाद में तीसरा नियम हमारा होगा कि सपोज दो सेट हैं ए इज इक्वल टू बी. ए में भी तीन एलिमेंट्स हैं, सपोज स्मॉलर ए बी सी, और बी में भी तीन एलिमेंट हैं स्मॉलर ए बी सी. तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो सकता है, यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते ए सबसेट ऑफ बी भी लिख सकते या बी सबसेट ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे दोनों में सेम एलिमेंट है. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, कहा गया हाँ यहाँ पे कि यहाँ पे ए में ज़्यादा एलिमेंट है, इसलिए ये जो बी छोटा वाला है ये बी हुआ ए का सबसेट. लेकिन जब दोनों में सेम रहेंगे तो हम ए सबसेट बी या बी सबसेट ए लिख सकते हैं. बाद में है ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, देन इसका ही कन्वर्स थ्योरम लिखा है. इसका ही कन्वर्स है कि पहले ए इज इक्वल टू बी होगा तो दोनों एक दूसरे को सबसेट, लेकिन जब दोनों एक दूसरे को सबसेट होंगे तभी ये ए इज इक्वल टू बी, वही कन्वर्स है, उल्टा बोला गया है बस. ये हुआ हमारा, अभी हमने सीखा वो क्या क्या सीखा, हमने वेन डायग्राम सीखा, सबसेट सीखा, अभी हम आगे क्या सीखने वाले हैं, यूनिवर्सल सेट्स. से ए सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन एज सबसेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट. इट इज डिनोटेड बाय यू.
In Venn diagram, in Venn diagram we represent the universal set by rectangle. तो Venn diagram में universal set हमेशा rectangle से दिखाया जाता है. वो इसमें universal जो है वो U से denote किया जाता है. कैसे? U इसके अंदर भी डाल सकते, ये है U, U से denote किया जाता है. चलो अभी उसमें universal set means क्या, कि उसके अंदर बहुत सारे sets रहेंगे. पहला अभी देखो, यहाँ पे suppose set है A 1 2, B में है 2 3, C में है 1 2 3. लेकिन ये जो U है, U means universal, उसमें इसमें से सारे element U में आ जाएंगे. ये जो A B C के सारे element है वो आ जाएंगे U में. तो इसलिए वो हुआ universal set. तो पहले हमें क्या करना है, इट कैन बी टेकन एज द यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट्स A B C. तो इसे बोला जाता है सेट A B C का यूनिवर्सल सेट है ये वाला. ओके, टिल यहाँ तक समझ में आया पूरा? हाँ, इसका एग्जाम्पल देना हो, सपोज मेरे पास है ए सेट, हाँ उसमें सपोज इसमें है ए सी. ओके, हाँ अभी दूसरा मेरे पास सपोज बी सेट है, उसमें है ई एफ. ओके, यहाँ पे ई एफ. और सपोज चलो तीसरा भी है मेरे पास, सी बोलते हैं चलो इसको, सी में होगा एल एम, कैपिटल नहीं दिखाना है सॉरी, एल एम एन. तो चलो मुझे बताओ यूनिवर्सल सेट में कौन कौन, बौद्धवी तू बताएगी कि ऐसा है तो यूनिवर्सल में कौन आएगा, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, बौद्धवी बताओ. हु विल गिव मी आंसर, मिहिर, मिहिर बताओ जल्दी. अभी यूनिवर्सल सेट में आएगा ए, पहले सेट में जो भी एलिमेंट है वो यूनिवर्सल में आता है ए सी. दूसरे में भी जितने एलिमेंट्स हैं वो आएंगे यूनिवर्सल सेट में, तो वो है ई और एफ. तीसरे में भी जितने हैं वो इसमें आएंगे एल कॉमा एम कॉमा एन. ये हुआ हमारा कंप्लीट. तो समझ में आया यूनिवर्सल में कौन कौन आएगा, ए सी ई एफ एल एम एन. अभी अच्छे से समझ में आया सबको? यस टीचर. हाँ तो बहुत इजी है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल के सब सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल में आते ही है. समझ में आया? चलो अभी आगे के सेट देखते हैं. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, क्या कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, तो क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पढ़ते हैं. तो ए बी द सबसेट एंड यू बी द यूनिवर्सल सेट. द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन यू व्हिच आर नॉट इन ए, दिस कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. इट इज डिनोटेड बाय ए, ये ऐसा डिनोट किया जाता है. एक तो ए ऐसा ए लिख के इसके ऊपर ऐसा कॉमा देंगे, नहीं तो ए लिख के डायरेक्टली यहाँ पे छोटा सा सी देंगे. ऐसे दोनों में से कैसे भी लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट. तो अभी मैं इसका एग्जांपल देके आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि सपोज सबसेट है ए, सबसेट है यूनिवर्सल सेट का. तो यूनिवर्सल सेट में ए छोड़ के जितने भी सारे
एलिमेंट्स है वो है ए कॉम्प्लीमेंट, लेकिन वो कैसे वो आपको मैं बताती हूँ। चलो यहाँ पे बताया गया है कि ये एक यू सेट है, इसमें है पूरे 1 to 10 नंबर्स। तो ये यू सेट में पूरा ये बाहर का जो स्क्वायर किया गया है ना, ये यू सेट है, उसमें दिखाए गए हैं पूरे 1 to 10 नंबर्स। ओके, तो बाद में यहाँ पे आया ए सेट 2, 4, 6, 8, 10। तो ए में मैंने डाला 2, 4, 6, 8, 10, तो ये हुआ हमारा ए सेट। ओके, तो अभी ये है ए सेट, लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा? तो ए छोड़ के यूनिवर्सल सेट में बाकी ए छोड़ के जितने भी हैं नंबर्स वो है ए कॉम्प्लीमेंट। तो वो लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखे नहीं दिखाया, चलो हम लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट में। चलो कौन बताएगा एलिमेंट के नाम, बताओ। 1, 5, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। हाँ, 9, 3, वेरी गुड। ये सब हुए हमारे ए कॉम्प्लीमेंट, मीन्स ए सबसेट है। तो ए के बाहर जितने भी एलिमेंट आएंगे वो आएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में। ये हुआ हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। बहुत बहुत इजी है, अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तो जरूर समझ में आएगा। सिर्फ अच्छे से नहीं आया ना तो वापस वीडियो देखो, सपोज भूल जाते हो तो अगेन ये वीडियो देख लो। अभी कॉम्प्लीमेंट सेट की जो प्रॉपर्टीज है वो हम पढ़ेंगे। ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट डू नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट। ये ए में और ये जो बाहर का ए कॉम्प्लीमेंट है उसमें कौन से भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। समझ में आया? जल्दी यस और नो बोलो। यस टीचर। हाँ, ए सबसेट ऑफ यू, ए और ए कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट ऑफ यू। एब्सोल्युटली, ये जो ए है ये पूरा यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही है। यही बताया है यहाँ पे, मींस अगले वाले इसमें वही बताया है कि ए यू का सबसेट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट भी यू का ही सबसेट है। आगे जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनिवर्सल सेट इज नल, नल सेट यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट। तो जो यूनिवर्सल सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट कौन है? यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट जो है वो है नल सेट। क्या है? नल सेट। अभी ये पूरा यूनिवर्सल है। ओके, उसका जो कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल में तो सब एलिमेंट आने वाले हैं, तो कॉम्प्लीमेंट में कोई नहीं आएगा। मीन्स यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट जो है वो आएगा नल सेट। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट आएगा नल सेट। ओके, और ये हो गया। हाँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल सेट इज द यूनिवर्सल सेट अंडर कंसिडर, वो ऐसा लिखा। और कौन सा भी नल सेट है या एम्प्टी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा यूनिवर्सल। ये इसका कन्वर्स थ्योरम है, ये इसका कन्वर्स यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस टीचर। ओके, बहुत अभी समझ में आया बौद्धवी? हाँ, बौद्धवी नहीं आते ना? बौद्धवी नहीं है क्या? ओके, नहीं है। ओके, वो शायद रिजॉइन नहीं कर सकती। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो अभी यहाँ पे है। हाँ, अभी हम लोग सीखने वाले हैं 1.3। ओके, तो 1.3 सीखने के लिए चलो शुरुआत करते हैं। तो अभी इफ
वेदन पढ़ो कौन सा विश ये इफ ए इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई पूरा पढ़ इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी D is equal to C D E F. C is equal to B D. D is equal to A E. Then which of following statement are true and which are false? तो हमें क्या करना है? तो पहले ये सोचो कि इसमें ये सब दिए गए हैं sets. उसके elements भी दिए गए हैं ये भी. तो अभी हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि कौन कौन सा सेट किसका सबसेट है. पहला जो स्टेटमेंट दिया है कि सी सबसेट ऑफ बी, तो चलो देखते हैं सी में जितने भी एलिमेंट होंगे वो बी के अंदर होने ही चाहिए, तभी वो होगा सबसेट. चलो सी में कौन है? बी डी. और वो बी के अंदर है क्या? चलो बी कहाँ गया हमारा? ये वाला. तो बी और डी है क्या? नहीं. बी कहाँ है? बी नहीं है ना? बी नहीं है. तो सी इज नॉट एलिमेंट सबसेट ऑफ बी, तो नहीं है. दैट इज वाई फॉल्स. ओके, समझ में आया? आगे है मिहिर, समझ में आ रहा है? यस टीचर. वेरी गुड. ए इज सबसेट ऑफ डी. चलो ए है, ए में है ए बी सी डी ई, और ये सारे एलिमेंट डी में है क्या वो देखना है. अरे ये सारे एलिमेंट डी में नहीं है, क्योंकि इसमें तो दो ही है, ए है और डी है, बी सी डी का है. तो इसका मतलब ये फॉल्स, क्योंकि ए इज नॉट एलिमेंट सबसेट ऑफ डी, सी इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ऐसा है. तो इसलिए ये दोनों भी स्टेटमेंट फॉल्स हुए. समझ में आया? तो चलते हैं आगे. अभी है डी इज सबसेट ऑफ बी. चलो डी बी का सबसेट है क्या? डी बी का सबसेट है क्या? हाँ ए ई है ना, क्योंकि ए में डी में है ए ई, और वो ए में कौन सा बोला है? डी और बी का, डी और बी. हाँ तो ए ई है क्या? नहीं है. डी जो है वो सबसेट है बी का, ये सही है या गलत है? डी इज द सबसेट ऑफ बी. लवकर जल्दी बताओ. गलत है टीचर, फॉल्स. हाँ वेरी गुड, गलत, क्योंकि उसमें ई तो है लेकिन ए नहीं है ना, तो वो कैसे सबसेट हुआ बी का? दैट इज व्हाई इट इज रॉन्ग. तो उसका आंसर आएगा फॉल्स. आगे का है, तो इस तरह से आप लोग ये कर सकते हो ना अभी? यस टीचर. हाँ यस टीचर. वेरी गुड. तो अभी है ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 1, 3, 2, 7, राइट? एनी थ्री सबसेट ऑफ ए, कौन से भी थ्री सबसेट लिखना है तो कैसे भी लिख सकते हो. तुम लोग नाम भी दे सकते हो. बी इज इक्वल टू, इसके सबसेट लिखना है ना, तो 3 और 7 भी मैं लिख सकती हूँ. 3, 7 और 1 भी डाल सकती हूँ, अपनी मर्जी. ये हुआ एक. कौन से भी थ्री लिखने मैं, और सपोज मैं और एक लिख सकती हूँ, सिर्फ 1 भी लिख सकती हूँ मैं, या सिर्फ मैं 2 ले सकती हूँ, 3 ऐसे भी मैं लिख सकती हूँ, या 1, 2, 3, 7 ऐसा कुछ भी लिख सकती हूँ मैं. ऐसे कौन से भी थ्री सेट्स आप लोगों को लिखने हैं तो यू कैन राइट इट इजीली. ओके, और नल सेट भी उसका सबसेट है, ये भी याद रखना है, तो ये भी आंसर हो सकता है.
अभी 1.3 का जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है उसका पहला हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो हम लोग देखने वाले हैं कि पी इज द सबसेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पुणे। पी जो है ना पी जो है इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पुणे। पी मीन्स पुणे में रहने वाले सब लोग। एम इज द सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन मध्य प्रदेश। आई मीन्स इंदौर में रहने वाले। बी मीन्स इंडिया में रहने वाले। और एच मीन्स महाराष्ट्र में रहने वाले सब रहवासी, उनका सेट, उनको नाम दिए हैं ये वाले। समझ में आया? चलो देखते हैं। उन्होंने बताया है पी इज द सबसेट ऑफ एच। पी ये जो है सबसेट है एच का। एच मीन्स ये। पी इज द सबसेट ऑफ एच। एरो यहाँ पे किया है, बराबर है। महाराष्ट्र में पुणा आता है ना, मीन्स पुणा महाराष्ट्र में जितने भी लोग है उसमें पुणा भी इंक्लूड हो जाएगा ना। ऐसे नहीं बोल सकते कि एच इज द सबसेट ऑफ पी, नहीं, लेकिन पी इज द सबसेट ऑफ एच ऐसा बोल सकते हैं। इसको एच बोला गया है और इसको पी बोला गया है। पूना में जितने सारे लोग रहते हैं वो ये भी बोल सकते हैं ना कि हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि पूना तो महाराष्ट्र के अंदर ही आता है ना। तो हम लोग ऐसे तो हम लोग बोल सकते हैं पी इज द सबसेट ऑफ एच। ओके, दूसरा हाँ, और ऐसे हमें रिलेशन राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स, रिलेशंस लिखने हैं। और एक लिख सकते हैं पी इज द सबसेट ऑफ बी, और पूना किस में आता है? बी में। बी मीन्स इंडिया, इंडिया में भी आता है ना। तो हम ये भी लिख सकते हैं पी इज द सबसेट ऑफ बी। समझ में आया? यस टीचर। हाँ, और क्या लिख सकते हैं हम लोग कि पी आई इज द सबसेट ऑफ एम। आई कौन है? इंदौर। इंदौर आल्सो सबसेट ऑफ एम, मीन्स महाराष्ट्र। इंदौर इज द सबसेट ऑफ एम भी हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा आई ऐसा नहीं मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश है ना, यस एम मध्य प्रदेश है, इसको एम दिया गया है। और जो यहाँ पे हाँ महाराष्ट्र, सॉरी मैं भी भूल गई, राइट थैंक यू सिद्धू। इंदौर तो मध्य प्रदेश में आता है। हाँ राइट। आई इज द सबसेट ऑफ एम। आई इंदौर जो है वो किसका सबसेट है? मध्य प्रदेश का। वेरी गुड। बाद में है आई इज द सबसेट ऑफ बी। तो आई कहाँ है? ये इंदौर, वो सबसेट ऑफ बी, मीन्स वो इंडिया में भी आता है ना। हाँ, तो इंदौर ये भी है, इंडिया का भी सबसेट है। बाद में एच इज द सबसेट ऑफ बी। एच क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तो इंडिया में भी आता है, तो एच इज द सबसेट ऑफ बी। और एम इज द सबसेट ऑफ बी। एच कहाँ गया रे? एच ये था ना। हाँ, अभी एम इज द मीन्स मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज द सबसेट ऑफ इंडिया, ये भी चलेगा। समझ में आया पूरा ये? पढ़ा रही हूँ तो अच्छे से आना ही चाहिए। विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द अबव सेट। इसमें सब में यूनिवर्सल सेट कौन सा है? इंडिया मीन्स बी। बी इज द यूनिवर्सल सेट, बराबर ना, क्योंकि बी में सब आते हैं। ये बाकी जो है ना बचे हुए, ये सब बी में आते हैं। विच सेट कैन बी यूनिवर्सल, ये हुआ।
Which set of numbers could be the universal set for the sets given below? So A is equal to set of multiple of 5, B is equal to set of multiples of 7, C is equal to set of multiples of 12. Suppose ऐसा किया हमने कि यह भी नया वाला सम है. अभी देखो कि नीचे कुछ ये सम्स दिया गया है. ये देखो ये कुछ दिया गया है और उससे हमें अभी सम बनाना है. तो उसमें हमें क्या करना है कि जो सेट ए है ना वो मल्टीपल ऑफ फाइव है. फाइव के मल्टीपल में मीन्स सेट ए में 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ऐसा आगे बढ़ रहा है. ओके Yes. तो इसलिए हमने यहाँ पे डॉट 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 किया. बी जो है वो मल्टीपल ऑफ 7 है तो ये वाला. सी जो है मल्टीपल ऑफ 12 है तो ये वाला. ओके तो इस तरह से अभी हमें क्या करना है. राइट सेट्स ऑफ नंबर कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन. ये जो पूरे सेट्स दिए गए हैं कितने सेट दिए हैं, 3 ए बी सी. ये हमें उन्होंने दिए हैं सेट ए बी सी. तो उससे हमें यूनिवर्सल सेट बनाना है अपने मन से. तो देखो ये जो सारे नंबर है वो नेचुरल नंबर में आते हैं, बराबर है. yes. तो हम यूनिवर्सल सेट हमारा एन भी हो सकता है. ये सारे नंबर्स होल नंबर्स में भी आते हैं तो वो भी हो सकता है. इंटीजर्स में भी आते हैं तो ये भी यूनिवर्सल सेट हमारे हो सकते हैं. तो ये 3 यूनिवर्सल सेट हम इसके लिए यूज कर सकते हैं. फॉर द गिवन 3 सेट्स ए बी सी वी कैन टेक नेचुरल नंबर और होल नंबर और इंटीजर एज यूनिवर्सल सेट. समझ में आया यहाँ पे? यस टीचर. यस टीचर. हाँ आगे का पढ़ो. Who will read? टीचर आई विल रीड. यस. लेट्स ऑल द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज एंड. नहीं 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 ये वाला ये वाला ये. पी इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 4 and T जो सेट है वो सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स. तो चलो बनाते हैं. तो P सेट बनाएंगे मल्टीपल ऑफ 4. 4 का टेबल आगे 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 बढ़ता जाएगा. वो हुआ मल्टीपल ऑफ 4. और T सेट जो है इवन स्क्वायर नंबर है तो जैसे कि 4, 16, 36, 34 पूरे इवन नंबर जो है लेकिन वो स्क्वायर है वो है हमारा टी सेट. तो ये दो हमें दिया है तो इसके लिए हम यूनिवर्सल सेट कौन से यूज कर सकते हैं वो हमें बताना है. तो इसके लिए हम नेचुरल नंबर होल नंबर और इंटीजर्स भी यूज कर सकते हैं. बाद में हमें दिया है लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट. जितने भी सारे क्लास में बच्चे हैं वो है यूनिवर्सल सेट. लेट्स सेट ए बी द स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए. अभी एक सपोज ये बच्चे पूरे बच्चे हैं. ओके वो है हमारे सपोज 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं पूरे. तो वो हुए हमारे यूनिवर्सल एक ही क्लास वाले बच्चे. तो यू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास. इसमें से इतने जो कुछ बच्चे हैं यहाँ पे मैं ये 11th है ये जो बच्चे हैं इनको मिला है 50% मैथ्स में 50% स्कोरिंग एंड अबव 50% एंड 50% से अबव ये सारे बच्चों को मिला है. तो
ए कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा? ये बचे हुए बच्चे, समझ में आया ना? ये जो सारे बचे हुए बच्चे हैं, सपोज ये अंदर वाला जो है ये ए सेट है, सपोज अंदर वाला ए सेट है, तो ये जो बचे हुए बच्चे हैं ये रहेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? यस। हाँ, तो अभी हमें यहाँ पे सिर्फ बोलना है कि यूनिवर्सल सेट में क्या बताया जाएगा। यू बनाना है पहला सेट, द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास। सेट ए बोलना होगा, तो द सेट ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग 50 एंड अबव इन मैथ्स फ्रॉम द गिवन क्लास। ओके, सिद्धू एंड सर्वेश, अपना जल्दी से माइक ऑफ करो। ए कॉम्प्लीमेंट, हमेशा अपना माइक ऑफ ही रखो, जब बोलना हो तभी आप ऑन करो। ए कॉम्प्लीमेंट, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 50, वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि 50 से मोर जो है, 50 और 50 से ज़्यादा जितने भी मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो ए में आ जाएंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा? 50 से कम वाले स्टूडेंट्स। तो हमें वो सिर्फ हमें लिख के बताना है, वेन डायग्राम नहीं बताना। यहाँ तक समझ में आया? यस टीचर। यस टीचर। ओके, तो अभी है टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल। अभी एक सेट मैंने बनाया पूरा नेचुरल नंबर का, उसमें पूरे 1 to 20 नंबर्स ले लिए, तो और शो सेट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। तो ये पहले क्या है, यूनिवर्सल सेट में पूरे 1 से लेके 20 तक के नंबर है। समझ में आया? 20 तक के नंबर है, तो ये हुआ हमारा यूनिवर्सल। अभी हमें ये दो डायग्राम उसमें दिखाने हैं, ये एक एक्स और ये है वाई। समझ में आया यहाँ तक? तो चलो अभी पहले हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, पहला वाला कि एक्स इज ए एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स 1 से स्टार्ट होगा, एंड 7 से बड़ा और 15 से छोटा x में आएगा। ये जो है x इज ए एलिमेंट ऑफ n, n जो है ये ऐसे नंबर, इसमें ऐसे नंबर है कि जो 7 से बड़े और 15 से छोटे। तो 7 से बड़ा कौन आएगा? 8, 9, 10। मुझे लगता है ना ये 1 गलती से यहाँ पे प्रिंट हुआ है, वो नहीं आना चाहिए इसमें। तो यहाँ पे ये यहाँ से स्टार्ट होगा। x में कौन कौन आएगा? 7 से बड़ा, 15 से छोटा। ये जो x है वो 7 से बड़े हैं और 15 से छोटे हैं, तो इसमें नंबर्स आएंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो वेन डायग्राम में पहले हम सब नंबर्स निकाल देंगे। ये जो नंबर्स हैं ये गलती से आया, ये ध्यान में रखो। बाकी पहले 1 to 20 तक नंबर डाल देंगे और बीच में सिर्फ हम लोग एक राउंड करके बाकी ये नंबर पहले आप लोगों को जब ड्रॉ करना होगा ना, तब आपको एक क्लोज फिगर यहाँ पे, तो यूनिवर्सल के लिए आपको तो स्क्वायर ही निकालना है। ये डाल दिया, पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, पहले एक्स निकाल देंगे यहाँ पे। आप लोग ये जो ये पूरे नंबर्स हैं ना, ये इसके अंदर पूरे डाल दो कि 8, 9, 10। बाकी जो बचे हैं ना तो वो एक्स कॉम्प्लीमेंट में डाल दो। ये हमारा एक्स कॉम्प्लीमेंट है बाहर बचा हुआ, तो हम यहाँ पे
ये बाकी छोड़ के पूरा 1 2 3 4 कहीं पे भी डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो अंदर गया, वापस 14 के बाद में आएगा 15 16 17 18 यहाँ पे 19 यहाँ पे 20 और हो गया मेरा ये वेन डायग्राम। यहाँ पे तो ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया ही है, ये देखो ये वाला, समझ में आया? यस टीचर। बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है ना? नो टीचर। हाँ बोर हो रहे हो? नो। ओके मजा आ रहा है, वेरी नाइस। तो ये सिर्फ ये गलती से हुआ है, ये वन मत ध्यान में रखो। तो इसका मतलब ये पहले सॉल्व कर लेना है आप लोगों को। ये सॉल्व करने के बाद ये जो एक्स में ना अंदर लेके इसमें पहले डाल दो जल्दी जल्दी और बाद में बाकी के बाहर रख दो, हो गया काम। ऐसे ही आगे का है कि ये पहले सिर्फ ये सॉल्व करो बाकी डाल दो। तो y इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, y इज ए प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। सिर्फ y में प्राइम नंबर्स है तो 2 3 5 7 11 13 17 19। तो पहले क्या करो, पहले एक यूनिवर्सल सेट डाल दो, ऐसा ड्रॉ करो, एक राउंड करो या कौन सा भी शेप करो, उसमें ये y वाले नंबर है ना पूरे y वाले नंबर्स लिख दो और बाकी जो बचे हैं अभी वन या अभी यहाँ पे बच 1 2 तो अंदर गया, यहाँ पे देखो 3 अंदर गया, 4 नहीं गया तो यहाँ पे आया 4 5 अंदर गया 6 नहीं गया तो 6 बाहर, 7 गया अंदर, ये 8 नहीं गया तो 8 यहाँ पे, 9 बाहर, 10 बाहर, 11 गया अंदर, अंदर यहाँ पे अंदर होगा ना वो 11 12 बाहर, 13 ये भी अंदर है, इसके अंदर पहले से ही हमने डाला हुआ है, 14 लिख दो यहाँ पे 14 15 हाँ वो बाहर ही लिखना पड़ेगा 15 16 ये भी बाहर कहीं पे लिख दो, 17 वो तो अंदर गया, 18 सपोज यहाँ पे लिख दिया, 19 ये अंदर गया तो, और यहाँ पे बाहर लिखा मैंने यहाँ पे कहीं पे 20 और ये हो गया। ये जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है देखो, पूरा ये वेन डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, वो उसको ऑब्जर्व करो आप लोग अभी। ये देखो यू है, उसमें जो वाई के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे अंदर डाल दिए हैं, बाकी जितने भी बच्चे वो बाहर कहीं पे भी डाल दो, हो गया तुम्हारा वेन डायग्राम। आपको निकाल के भी दिखाना है। तो वैसे ही ये है कि एक यू सेट दिया गया है पूरा और यहाँ पे एक पी सबसेट दिया है उसका और बोला गया है कि पी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन आएगा, तो पी में अभी ये पी में आया है इसलिए कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। पी में कौन कौन आया है, 1 3 7 और 10, तो पी कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा, 2 8 9 11 12। देखो पी कॉम्प्लीमेंट में कौन आया, 2 8 9 11 12 2 8 9 11 12। तो सिर्फ हमें क्या करना है वो अभी वेन डायग्राम करके हमें दिखाना है। तो चलो पहले हमने लिखा यू सेट, बाद में उन्होंने ही दिया है पी सेट भी, तो अभी हमने पी कॉम्प्लीमेंट भी लिख दिया जैसे कि अभी अभी मैंने पढ़ाया। तो अभी वेरीफाई करना है कि पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट पी आता है। तो ये हमारा अंदर का जो है पहले ड्रॉ करो, यूनिवर्सल डालो, अंदर पी डालो, पी के बाहर जितने भी बच्चे वो आएंगे कॉम्प्लीमेंट में। अभी हमें ये देखना है कि पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट जो है, ये जो है ये यूनिवर्सल है, अभी ये जो पी सेट है ये है हमारा, नहीं एक मिनट सॉरी,
ये तो पहला वाला ही, पहले देख लो, ये समझ में आया। हमें सिर्फ वेरीफाई करना है कि P कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो P है। तो ये P है, ये सेट P है, उसका कॉम्प्लीमेंट ये P कॉम्प्लीमेंट रहेगा। और वापस हमने सपोज इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला तो वो कौन आएगा, ये आएगा, P ही आएगा। इसका मतलब P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट P हमेशा आता है। समझ में आया ये? तो आगे है U, यूनिवर्सल सेट दिया गया है। और यूनिवर्सल सेट में 1, 2, 3 ये पूरे नंबर्स दिए गए हैं, उसमें P दिया गया है और उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो अभी देखो ना, P का कॉम्प्लीमेंट, ये P में तो 1, P में अभी कौन कौन आया, 1, 3, 7, 10 छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स है वो आएंगे P कॉम्प्लीमेंट में। तो और P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो P ही रहेगा हमेशा, P कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट P ही होता है। ये हुआ हमारे सम्स। तो समझ में आया होगा ना आप सबको? यस टीचर। ओके, थैंक यू।